बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की बुक है और आज हम यूनिट नंबर 4 है, मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन। और इसमें जो रीडिंग टेक्स्ट है वो सोशल मीडिया है, ठीक है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर 74 पर, लिटरेचर की एक्सरसाइज है ये। MCQs हैं, फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट सोशल मीडिया इज़ अ, ऑप्शन डी है बोथ, ठीक है। तो ये गुड थिंग भी है और बैड थिंग भी है। सेकंड है, द सोशल मीडिया इज समथिंग दैट इज़ यूज्ड बाय, तो भाई ऑप्शन सी है, पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम उम्र के लोग यूज़ करते हैं। थर्ड, इन कंक्लूजन द राइटर सेज दैट द सोशल मीडिया शुड बी, ऑप्शन बी है, यूज्ड विद केयर, ये मतलब एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सरसाइज 2 है, इसमें आपको ये वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये यहाँ ऊपर दिए हुए थे और इनकी मीनिंग हमने नीचे बतानी थी, यानी मीनिंग भी दी हुई थी, सिर्फ वर्ड पुट करना था। तो फर्स्ट था, द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंटल इज़ हार्मफुल। सेकंड है, द मीनिंग ऑफ डिटरियोरेशन इज़ स्लोली बिकमिंग वर्स। द मीनिंग ऑफ स्टेपेंडियस इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट। The meaning of inconvenience is trouble. The meaning of obesity is being overweight. The meaning of materialize is happen or take shape. The meaning of prudent is caring for the future. The meaning of today is late submitted. The meaning of realizationized is change completely. The meaning of disproportionately is not in the right amount. The meaning of self-portrayal is showing of oneself. The meaning of addictive is habit forming. The meaning of accessibility is easy to reach. The meaning of fraudulent is dishonest or cheating. The meaning of stars is prospects. The meaning of consequences is negative results. The meaning of devastating is highly damaging. The meaning of injudicious is unwise. The meaning of fantasy is imagining of impossible things. The meaning of mitigated is made less severe. एक्सरसाइज 3 है, ये डायलॉग्स हैं, इनको हमने बताना है कौन से पैराग्राफ का है। तो फर्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन, 8 नंबर पैराग्राफ का है। सेकंड, प्रोमोशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स, 4 पैराग्राफ। थर्ड है बेसिक रूल्स फॉर मिनिमाइजिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स, 12 पैराग्राफ। डी, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, 2 पैराग्राफ। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, 10 पैराग्राफ। यूजिंग द सोशल मीडिया प्रूडेंटली, 13 पैराग्राफ। एडवेंट ऑफ द इंटरनेट एंड द सोशल मीडिया, 1st पैराग्राफ। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, 11 पैराग्राफ। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टडीज, 6 पैराग्राफ। इफेक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ, 9 पैराग्राफ। यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया फॉर बिजनेस पर्पजेज, 3rd पैराग्राफ। फ्रॉडुलेंट कंपनीज चीटिंग पीपल्स, 7 पैराग्राफ। कनेक्टिंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, 5 पैराग्राफ। उसके बाद एक्सरसाइज 6 है, रीड द टेक्स्ट एंड मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द सोशल मीडिया हैज़ नॉट इफेक्टेड द वर्ल्ड इन एनी मेजर वे, फॉल्स है भाई। सेकंड, सम वेंडर्स ऑन द सोशल मीडिया चीट देयर कस्टमर्स, ट्रू है। थर्ड, यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया डज नॉट हैव एनी डिसएडवांटेजेस, फॉल्स है। 4, प्रोफेशनल्स डू नॉट यूज़ द सोशल मीडिया, ये भी फॉल्स है। 5, इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया हैज़ इफेक्टेड रिलेशनशिप्स एडवर्सली, ट्रू है। 6, स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट टीचर फ्राम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लर्न फ्राम देम, ट्रू है। 7, पीपल यूज़ द सोशल मीडिया टू शोकेस एंड प्रोमोट देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स, ट्रू है। एम्प्लायर्स डू नॉट यूज़ द सोशल मीडिया टू लुक फॉर पीपल होम दे वॉन्ट टू हायर, फॉल्स है। डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया हैज़ डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ, ट्रू है। 10 है, अ केयरलेस यूज़र कैन गेट द बेनिफिट्स फ्राम द पॉजिटिव इस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया, फॉल्स है।
एक्सरसाइज 5 पर आ जाएं. द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वर्क इन पेयर्स, रीड द टेक्स्ट. तो भाई जो रॉन्ग है उसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया और उसके नीचे वर्ड भी लिख दिया. पूरा सेंटेंस आप खुद लिखेंगे. विद द सोशल मीडिया वन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द रीजनल कम्युनिटी. तो पूरा आपने लाइन चेंज करनी है, पूरा पैराग्राफ मतलब दोबारा लिखना है और रीजनल की जगह आ जाएगा ग्लोबल. सेकेंड है द स्पीड विद विच द सोशल मीडिया यूज़र आर इंक्रीजिंग इज स्लो. स्लो को स्लो की जगह आप लिखेंगे स्टेपेंडियस. और थर्ड है द एक्सटेंड फैमिली मेम्बर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान फैमिली स्ट्रक्चर. आर नॉट की जगह लिखना है ऑकोपाई एन इम्पोर्टेंट. ठीक है. फोर है द सोशल मीडिया इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वीकनेस. वीकनेस की जगह आएगा ऑब्सिटी. फाइव है रिमूवर्स ट्रैवल वेरी स्लोली. स्लोली की जगह आएगा नीचे फास्ट. लेकिन जुमले कंप्लीट बनाने हैं भाई. सिक्स पोस्टिंग सेल्फीज कैन लीड टू फिजिकल नहीं होता भाई, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है. तो साइकोलॉजिकल आएगा. सेवन यूजिंग द सोशल मीडिया हैज़ नीदर. नीदर की जगह बोथ आएगा. एट है वन नीड्स टू सी हाउ वन कैन मैक्सिमाइज. मैक्सिमाइज नहीं है भाई, ये मिनिमाइज है. नाइन द इल्स ऑफ द सोशल मीडिया कैन बी रिड्यूस्ड. रिड्यूस्ड भी लफ्ज़ यहाँ सही है. रिड्यूस ना भी चेंज करना चाहें तो मिटिगेटेड. और ऑल द की जगह लिखेंगे सर्टेन. कुछ रूल्स ठीक है, तो मेडिकेटेड मैंने वैसे कर दिया. टेन गिविंग अप द सोशल मीडिया मे बी द ओनली की जगह आएगा मे नॉट बी अ रियलिस्टिक. ठीक हो गया. उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 6 पर चलें तो यहाँ पर आपको जो है चार कैटेगरीज दी हैं. बिजनेस, स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, प्रोमोशन ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स. तो इसमें सब में आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स और रिड्यूसिंग नेगेटिव इम्पैक्ट. हर यानी बिजनेस की जगह भी तीनों चीज़ें, स्टूडेंट की जगह भी, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ऐसा ही होगा और प्रोमोशन ऑफ स्किल एंड टैलेंट्स में. तो इन चारों को जो है ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है. आप ये आंसर इनके पढ़ लें और इनको लिख लें. उसके बाद एक्सरसाइज 7 पर आएंगे तो यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं. 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैंने इनके आंसर बना दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ हैज़ सोशल मीडिया रिवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड, हाउ इज सोशल मीडिया असिस्टिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. थर्ड है हाउ कैन अ बिजनेस बी इनिशिएटेड ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. फोर है हाउ कैन एम्प्लॉयर्स हंट द राइट कैंडिडेट फॉर देयर जॉब पोजिशंस. फाइव है वाई कैन पीपल ईजली हैव अ कॉन्स्टेंट कनेक्शन विद रिलेटिव्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सिक्स है हाउ इज सोशल मीडिया अफेक्टिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल. तो भाई ये 6 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनको चेक कर लें. उसके बाद एक्सरसाइज 8 में जो है 2 क्वेश्चन और बनाए उन्होंने. पहला है हाउ हैज़ द सोशल मीडिया अफेक्टेड यू और योर फैमिली. तो ये इसका आंसर भी मैंने यहाँ दे दिया है, देख लें. और सेकंड है व्हाट आर द बेनिफिट्स यू हैव गेन्ड फ्रॉम द सोशल मीडिया. तो जो भी बेनिफिट्स हैं आप खुद लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैंने यहाँ आपको लिख कर दे दिया है. तो हमारा लिटरेचर वर्क तो हुआ कम्प्लीट. अब चलते हैं अपने लैंग्वेज वर्क पे, जो पेज नंबर 83 से स्टार्ट है, लैंग्वेज प्रैक्टिस. आज जो है इसमें हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे. फ्यूचर टेंस के हवाले से आप जो है इसको फर्स्ट पेज जो है पूरा रीड करें, उसको समझें. मैं आपको एक्सरसाइज 1 पर लेकर आ रहा हूँ और बता रहा हूँ यहाँ विल और शैल का यूज़ है. तो देखें शैल जो है, अब ये पुरानी इंग्लिश में जो है शैल यूज़ हुआ करता था आई और वी के साथ, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज़ होता था, लेकिन अब जो है न्यू जो इंग्लिश है और मतलब उसमें सब जगह विल यूज़ होता है, शैल को यूज़ नहीं किया जाता. लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सरसाइज आई है तो इसलिए विल और शैल को हम यूज़ करेंगे. तो मैंने बता दिया फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज़ होता है. फर्स्ट है दे विल कम हेयर अगेन नेक्स्ट ईयर. सेकेंड है आई शैल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल समटाइम्स नेक्स्ट वीक. थर्ड है दे विल डू बिजनेस विद अस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. फोर है दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वेरी बिजी. बी भी आएगा भाई, आई शैल बी वेरी बिजी. फाइव है वी शैल बी इन ट्रबल फॉर बीइंग लेट. तो ये ब्रैकेट में बी समझ के छोड़ मत दीजिएगा, ये लिखना है भाई. नेक्स्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस. ठीक है, इसमें शैल और विल के साथ बी आएगा और आई एन जी का इजाफा होता है.
First, I shall be appearing for my board exam this year. Second, we shall be going later in the evening. Third, he will be staying home the whole evening. Fourth, they will be watching the cricket match tonight. Five, I shall be driving the car as our driver is ill. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है और सब शैल और विल के साथ हैव आएगा. वी शैल हैव क्लाइम द माउंटेन बाई टमोरो आफ्टरनून. ही विल हैव हैड. देखें हैव की भी थर्ड फॉर्म हैड है तो इसलिए ही विल हैव. तो आपका जो है ये हेल्पिंग वर्ब थी, जो हैव है उसका भी हैड लगाना है. हिज टूथ पुल्ड आउट बाई द टाइम वी रीच. थर्ड है आई शैल हैव मेट द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 6 o'clock टमोरो. फोर हिज टेलर विल हैव स्ट्रिच्ड ईडी आएगा हिज क्लॉथ्स बाई द टाइम वी गेट देयर. फाइव है बाई द टाइम वी फिनिश दे विल हैव लेफ्ट. लीव की जगह थर्ड फॉर्म लेफ्ट आएगा. नेक्स्ट है बी गोइंग टू. ठीक है, कोई फ्यूचर के टेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें प्रेजेंट के टेंस यूज होता है. मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसा होगा. तो उसमें जैसे फर्स्ट है तारिक इज़ गोइंग टू डिलीवर. जो ब्रैकेट में वर्ड है ये भी आएगा. तारिक इज़ गोइंग टू डिलीवर द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास. सेकंड है वी आर गोइंग टू कट. ठीक है, तो यहाँ आएगा वी आर गोइंग टू कट दिस ट्री एज इट इज़ अबाउट टू फॉल. हम इसको काटने जा रहे हैं. होगा ये फ्यूचर का टेंस, लेकिन चूंकि बोला इस तरह जा रहा है प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा बीच में, लेकिन इसका जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा. थर्ड आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज. फोर द ट्री इज़ गोइंग टू शेड इट्स लीव सून एज इट इज़ ऑटमन टाइम. ऑटमन टाइम. फाइव आई एम गोइंग टू ज्वाइन. यहाँ गो गलती से लिखा गया, यहाँ ज्वाइन आना था. आई एम गोइंग टू ज्वाइन द न्यू हॉकी क्लब सून. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस प्रेजेंट के ही बनाने हैं. वी आर टेकिंग अ ट्रिप टू थरपारकर नेक्स्ट संडे. सेकेंड आई एम कुकिंग बिरयानी फॉर लंच टूडे. थर्ड दे आर बाइंग अ न्यू हाउस सून. फोर ही इज़ इन्वाइटिंग सेवरल पीपल टू हिज सन वेडिंग्स नेक्स्ट मंथ. Five, she is participating in the debate competition to be held by the school. फिर प्रेजेंट सिंपल है. सिंपल आपको पता है प्रेजेंट का प्लूरल के साथ नॉर्मल वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म, वरना एस या ई एस आता है सिंगुलर के साथ. वी स्टार्ट दिस वर्क टुमारो, ये चेंज नहीं होगा. सेकंड द ट्रेन लीव्स, एस लगेगा. थर्ड है द शिप सेल्स, यहाँ पे भी एस लगेगा, सिंगुलर है. फोर में भी शी बिगेन्स और फाइव में भी ही रिटर्न्स. ठीक है, तो ये आपके प्रेजेंट सिंपल हैं. नेक्स्ट है टू फ्यूचर एक्शन. देखें जब टू फ्यूचर एक्शन होता है तो एक में फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब लगता है जबकि दूसरा प्रेजेंट सिंपल में रहता है. फर्स्ट है इट विल कॉस्ट अ लॉट मोर इफ़ वी बाय इट नेक्स्ट ईयर. सेकेंड ही विल विजिट अस व्हेन ही कम्स, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल लग रहा है तो इसलिए कम्स आएगा. ही कम्स टू कराची ऑन हिज नेक्स्ट विजिट. थर्ड वी विल, अब देखें यहाँ मैंने वी के साथ विल लगा दी है, कुछ गलत नहीं है, आप शेल लगा दें कोई मसला नहीं है, लेकिन विल यूज़ होता है अब. तो वी विल वेट फॉर यू एट द गेट अनटिल यू अराइव. फोर है द कैट विल हैव ड्रंक द मिल्क बाय द टाइम यू मूव द बाउल. ठीक हो गया. फाइव है द प्रोग्राम विल हैव एंडेड बाय द टाइम दे फिनिश देयर फूड. क्योंकि ये एक ख़ास किस्म के लास्ट के दो सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको शायद याद होगा पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में भी बताए थे. तो ये वही ख़ास जो हैं ये टेंसेस हैं दो, जिसमें परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट आता है. एक्सरसाइज टू पे आ जाएं तो यहाँ पे भी यही है. डू यू थिंक पीपल विल ट्रेवल टू द मून अगेन. सेकेंड टमोरो वी आर गोइंग टू रेयर्स अ स्कूल प्ले इन द जिम. ठीक है, हम करने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू. थर्ड है डैड विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन व्हेन यू अराइव नेक्स्ट वीक. फोर है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शेल हैव विजिटेड ब्राज़ील. मैंने यहाँ खुसूसन शेल लगाया, आप विल लगा सकते हैं. फाइव आई एम गोइंग टू मेक अ शेल फॉर माई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट. सिक्स है लुक एट द कार इट इज़ गोइंग टू क्रैश इफ़ द ड्राइवर डजेंट स्लो डाउन. सेवन इफ़ आई वॉन्ट नो द आंसर आई विल आस्क माई एल्डर सिस्टर. एट वी आर गोइंग या शेल बी गोइंग दोनों सही हैं. वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक नेक्स्ट वीकेंड वुड यू लाइक टू कम.
9 है सारा एंड मीना विल हैव फिनिश देयर आईटी प्रोजेक्ट बाय टुमारो आफ्टरनून। 10 है रजा विल टेक हिज गोट फॉर अ वॉक व्हेन हिज मदर विल कम बैक फ्रॉम वर्क। अब यहाँ पे वो वाला भी बन सकता था, रजा विल टेक हिज गोट फॉर अ वॉक व्हेन हिज मदर कम्स बैक फ्रॉम वर्क। ये भी ये सही है मेरी नज़र में, दोनों में विल ना लगाएं, लास्ट वाले में कम्स कर लें, ठीक हो गया। थर्ड पर आए, थर्ड एक्सरसाइज में भी है भाई ये, कस्टमर और पामिस्ट की आपस में बात हो रही है, तो वहाँ पे भी हमने जो है फ्यूचर टेंस लगाने हैं, तो जहाँ फिल इन दी ब्लैंक से मैं वो पढ़ देता हूँ। पामिस्ट, आई शैल टेल यू इफ़ यू शो। सेकंड, इनिशियली यू विल स्टडी बट लेटर यू विल गो। फिर नेक्स्ट पामिस्ट, प्रोबेबली यू विल गेट। फिर नेक्स्ट पामिस्ट कह रहा है यू विल ट्रेवल। फिर पामिस्ट कह रहा है यू विल बी, ये बी भी आएगा भाई, यू विल बी अ रिच पर्सन, यू विल अर्न, बट ऑल ऑफ दिस विल डिपेंड। यहाँ लफ्ज़ एक डिपेंड नहीं लिखा हुआ था, विल डिपेंड हाउ वेल यू विल ट्रीट, विल ट्रीट आएगा भाई। नेक्स्ट है पामिस्ट, इन द न्यू फ्यूचर नियर फ्यूचर यू विल इन्जॉय। नेक्स्ट ऑन यू विल सफ़र। फिर नेक्स्ट है न्यूज़ इज़ दैट यू विल फाइंड Who will treat you well and will cure you completely? Last में है you will be a highly successful person. तो ये एक्सरसाइज 3 हो गई। अब चलते हैं 5 एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ से एक्सरसाइज 4 में आप देखेंगे एक्टिव और पैसिव वाइज आपको समझाया गया है, तो वो आप ज़रूर इसको पढ़ के समझें। मैं आपको एक्सरसाइज करके दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 5 है। इसमें देखें 10 आपको जो है आपको पैसिव इनको एक्टिव में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग पैसिव वाइज इंटू एक्टिव वाइज। द वॉल्स आर बींग पेंटेड बाय देम। तो जो आपका इसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, देम को हम दे कर देंगे, आर बीइंग था तो हम बीइंग ख़त्म कर देंगे और थर्ड फॉर्म भी ख़त्म कर देंगे, हम लिखेंगे दे आर पेंटिंग, ठीक है, द वॉल्स, दे आर पेंटिंग द वॉल्स, इस तरह करके इसको हमने लिखना है। ये सब पैसिव वाइज हैं, आपने इनको एक्टिव वाइज में चेंज करना है। द लेटेस्ट बुक ऑफ द राइटर इज़ लाइक बाय द रीडर्स, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका जो भी इसमें होगा द लेटेस्ट बुक ऑफ द राइटर इज़ लाइक बाय द रीडर्स, ठीक है, तो द रीडर्स इस तरह करके आपने बनाना है कि ऑब्जेक्ट को पहले, सब्जेक्ट को एंड में और बाय को ख़त्म करना है और टेंस चेंज करना है। जैसे यहाँ पे इज़ लाइक्ड है तो आप इसको क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म को यानी ख़त्म कर उसमें सिंपल प्रेजेंट में ले जाएंगे, लाइक्स कर लेंगे। इस तरह करके मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं, आप इनको देख लें। उसके बाद एक्सरसाइज 6 भी बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ आपको एक्टिव वाइज दिया हुआ है, इनको चेंज करना है पैसिव वाइज में। जैसे स्टूडेंट्स शुड स्टडी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एट स्कूल, तो आप लिख सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स शुड बी स्टडीड, शुड बी, ठीक है, स्टडीड बाय स्टूडेंट्स एट स्कूल, ठीक हो गया। तो इस तरह करके ये भी आपने सारे मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप इसको मतलब अपने पास नोट कर लें। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज नंबर 7 है, जिसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं और दोनों पैराग्राफ में जो है आपको चेंजिंग करनी है, ठीक है। वॉइस की चेंजिंग है, आपसे नहीं, आपको नहीं बताया गया कि आपने एक्टिव करनी है पैसिव करनी है, वो कह रहा है जो ज़रूरी समझ में आए वो करते जाएँ। तो मुझे भी जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरी लगा, जिस तरह ये हो रहा था, मैंने दोनों पैराग्राफ को मैंने आंसर करके लिख दिया है। ए आंसर पैराग्राफ, ये आपको नज़र आ रहा होगा पूरा पैराग्राफ है। फिर उसके बाद बी आंसर पूरा पैराग्राफ, तो ये आपने इसी तरह से इनके आंसर को नोट कर लेना। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए बता नहीं रहा, बस लिख दिया, आप देख लीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।